मोमेंट आप रेट्रो कॉजेलिटी की पॉसिबिलिटी को बीच में लेकर आते हैं ना, तो बेसिकली एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस और नॉन रिलीजियस क्रिएटर का कॉन्सेप्ट डिसॉल्व हो जाता है। वो इस वजह से कि फिर तो आप ये कर सकते, क्योंकि रेट्रो कॉजेलिटी का मतलब ही ये है कि आपकी जो टाइम ऑर्डरिंग है उसका कॉज एंड इफेक्ट पर अब फर्क नहीं पड़ना, उल्टा हो जाना है। तो यूजिंग द सेम रीजनिंग आप ये कह सकते हैं कि भाई हमने क्रिएटर को बनाया, वो रेट्रो कॉजेलिटी है ना, कि जो जिसको हम कॉज कह रहे हैं वो बेसिकली, यानी जिसको हम अभी इफेक्ट कह रहे हैं वो कॉज भी हो सकता है। तो बेसिकली प्रोबेबली वी आर द कॉज ऑफ द क्रिएटर अंडर दैट फ्रेमवर्क ऑफ रेट्रो कॉजेलिटी। तो इस वजह से रेट्रो कॉजेलिटी जरूरी नहीं है कि वो रिलीजियस क्रिएटर को डिबंक कर रही है, वो तो क्रिएटर के कॉन्सेप्ट को ही डिबंक कर रही है।